एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कल करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी जितने भी एग्जाम्स, जितने भी शिफ्ट हुई थी जेके पीएसआई में, उसमें इंडेक्स को लेकर हर एक सेशन में, हर एक सेक्शन में, हर एक पेपर में, शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहला वही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो रिलीज करी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, इंडिया का रैंक बताना है आपको किस में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो रिलीज करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इसका जो आंसर है दैट इज 67th। ठीक है, 67th में रैंक है, पोजिशन है इंडिया की। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें टॉप की तो स्वीडन जो है वो टॉप लिस्ट पे है इसमें। और वहीं पे टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो पहला डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड आता है। क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने लॉन्च करी है पेमेंट फैसिलिटी, किसके लिए, प्रीमियम पे करने के लिए थ्रू व्हाट्सएप एंड यूपीआई। ठीक है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट फैसिलिटीज जो है वो लॉन्च करी है जिसके थ्रू लोग जो है वो अपना प्रीमियम व्हाट्सएप या यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है दैट इज टाटा एआईए। ठीक है, मतलब ये जो टाटा की कंपनी है इन्होंने कंबाइनली करा है यूपीआई और व्हाट्सएप पेमेंट गेटवे को, तो सो दैट कि जितने भी इनके लोग हैं जिन्होंने इनकी सर्विसेज ली हुई हैं वो इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सके इन मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि न्यू चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कौन अपॉइंट हुए हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ अनुराग वर्मा। क्या आंसर है? अनुराग वर्मा। ओके, तो ये 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये अभी न्यू चीफ सेक्रेटरी स्टेट के बने हैं और ये 42वें चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब स्टेट के। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ करी है स्टैंडर्ड आईओएस 18267 बाय 2023 किसके लिए, टू एड्रेस प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ BIS। ठीक है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसका फूड सर्विंग यूटेंशियल जो मेड जो बने हुए होते हैं एग्री प्रोडक्ट से स्पेसिफिकेशन ही, इसको ब्यूरो ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्डाइज करा है ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन और जितने भी एनकरेज करने वाली सस्टेनेबल प्रैक्टिस को एनकरेज किया जाए, प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस किया जाए, मतलब कौन सी प्लास्टिक चीज़ें हैं और सस्टेनेबल जो चीज़ें मतलब एनवायरनमेंट के थ्रू बनती है उसको एनकरेज करा जाए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च करी है पीएम किसान मोबाइल ऐप विथ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो अगेन इसमें ऐड किया गया, तो इसका जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। अब बेसिकली इसमें फेस ऑथेंटिकेशन जो एड ऑन करा है वो इसलिए करा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो OTPs नहीं डाल सकते, तो इसीलिए वो अपने फेस के थ्रू जो है वो KYC जो है वो अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि कौन न्यू डायरेक्टर ऑफ आउटर सफेस अफेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन का कौन अपॉइंट हुआ है, डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं किसके, आउटर स्पेस अफेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के। तो इसका जो आंसर है दैट इज आरती होलामानी। ठीक है, आरती होलामानी जो है ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अपॉइंट हुए हैं। ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट आरती होलामानी जो है इनको ये डायरेक्टर बने हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस के, किसके लिए, फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने 4000 साल पुरानी सेंचुरी को डिस्कवर मतलब अर्थ से निकाला है, फाउंड करा है कौन सी कंट्री में। तो इसका आंसर है नीदरलैंड। क्या आंसर है? नीदरलैंड। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कि कौन सी सिटी में फीफा क्लब जो है वर्ल्ड कप 2023 ऑर्गेनाइज होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ जेदा। ठीक है, जेदा ये बेसिकली सऊदी अरबिया की सिटी है, यहाँ पर ये टूर्नामेंट जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है वो खेला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़
कि कौन से ऐसे फर्स्ट बॉलर हैं वर्ल्ड के जिन्होंने 100 टेस्ट जो हैं खेले हैं, ठीक है, खेलने वाले कौन से फर्स्ट बॉलर बने हैं। इसका जो आंसर है दैट इज नाथन लायन, लायन, ओके, नाथन लायन। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर हैं जो फर्स्ट बॉलर बने वर्ल्ड के जिन्होंने 100 लगातार टेस्ट मैचेस खेले हैं नेशनल टीम्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज करी है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023। इसका आंसर करोगे आप कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।